यार इतना खराब। देखिए एप्सन का L380 प्रिंटर है, इसका प्रिंटआउट देखिए कैसा आ रहा है। एक बार इंक ख़त्म हो गया था और 4-5 दिन मतलब चला था शुरू में, उसके बाद बंद हो गया। तो जब मैंने इसका हेड ओपन किया था यहाँ से, ये देखिए, तो इसमें यहाँ एक कॉर्नर में ना इतना ही आ रहा था, सिर्फ ये साइड में ही इंक आ रहा था स्प्रे करने के टाइम पे इंजेक्शन से। ये देखिए इंजेक्शन, तो ये एक समझ लीजिए एक्सपेरिमेंट है, सभी एप्सन प्रिंटर में काम करेगा। बाकी कलर्स आ रहे थे इसमें, तो मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया हूँ, केमिस्ट पे मिला 5 रुपये का। और ये जो साइकिल में वॉल लगता है, जो एक छुच्छी जिसमें हवा भरा जाता है, उसमें ये वॉल लगता है काट के यहाँ से, ये वही है, क्योंकि ये हार्ड है और यहाँ से निकलता नहीं है। तो उसकी भी हेल्प से पहले मैंने इसको लगा लिया है, उसके बाद इसको निकाल के यहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डाल दिया और धीरे धीरे करके ऐसे इतना इतना करके छोड़ दिया मैंने। तो देखिए धीरे धीरे ना यहाँ से निकल रहा है, एक एक बूंद देखिए, दिख रहा है ना, देखो। तो मान लीजिए अभी 5 मिनट हुआ रहेगा, मैंने 2 सिरिंज भरा था और अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। देखिए अब ध्यान से देखिए इंक कितना ज़्यादा आ रहा है, पूरा। तो अगर आपके प्रिंटर में ब्लैक इंक की प्रॉब्लम है या सिंगल कलर की किसी की भी प्रॉब्लम है, जिस कलर की भी प्रॉब्लम है, उसमें ये पाइप लगाइए और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो इतना ही छोटा सा वीडियो है, देख लीजिए, अगर सॉल्व होता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। Thank you.